सब्सक्राइब करो लिविंग पंजाब न्यूज चैनल नू, ते नाल ही बैल आइकॉन नू प्रेस करो लेटेस्ट न्यूज सब तो पहला देखन लई। प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बार फिर मेरी अपील है, मैं पत्र भी आपको भेज चुकी हूँ, प्रार्थना कर चुकी हूँ कि देश भर का किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है, कितने दुख की बात है कि करीबन 2.5 दर्जन सैनिक हमारे किसान या आत्महत्या कर गए, सर्दी से मर गए, हार्ट अटैक से मर गए, किसानी के लिए शहीद हो गए, मर गए तो कहना ही नहीं चाहिए। अब जल्दी कीजिए, किसानों के साथ आप बैठकर बात कीजिए। मैंने आपको बार बार एक ही प्रार्थना की है, एक ही निवेदन किया है कि जिस दिन किसानों के साथ आप बैठ जाएंगे, अगर उन्होंने कुछ गलत समझा है तो आप ठीक करवा दीजिए, अगर उनकी कठिनाइयाँ सच्ची हैं तो आप उनकी बात मान लीजिए। और सबसे अच्छा तो वह है जो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन एक सलाह दी है, आदेश निर्देश नहीं है, एक सलाह है। हम सब यही चाहते हैं कि वो कानून जो आपने पास किया है, कृषि बिल, उसको कुछ समय के लिए होल्ड कर लें और किसान, देश भर के किसानों के साथ बात करिए और समाधान करिए, तब वो कानून लागू कर दीजिए। अगर लगेगा वह कानून सबको स्वीकार्य है तो, मैं जानती हूँ कि जो संसद में पास किया है उसको वापस लेना बड़ा कठिन है, वापस मत लीजिए, होल्ड कीजिए, संभाल के रखिए, अगले 6-8 महीनों में आप स्वयं किसानों के माई बाप बनकर, हमारे प्रधानमंत्री जी, आप अपने आप को, और मुझे पता है आप मानते भी हैं, आप देश का प्रमुख सेवक कहते हैं, तो प्रमुख सेवक आए, किसान बेटे बेटियों से बात करे। और आज महाराष्ट्र का किसान भी चल पड़ा है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, देश में एक दर्द है, उस दर्द की दवा कीजिए, ये ना हो कि वो बेचारे मरते जाएं। अगर इतने लोग कहीं आतंकवादियों ने मार दिए होते तो आप पूरी शक्ति लगाकर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जाते, अब हमारा किसान इस तरह शहीद हो रहा है। एक बात और आपसे प्रार्थना करूंगी कि देश भर के राजनीतिक दलों को, देश भर के जो संगठन आंदोलन करते हैं, उनको सिखाइए कि किसान नेताओं ने जो अनुशासन रखा उसको बाकी सब भी रखें, और हजारों हजारों किसान जिस अनुशासन से आंदोलन कर रहे हैं, इसको देश सारा अपनाए। आंदोलन करना हमारा अधिकार है, आंदोलन शांतिपूर्ण होने चाहिए, ये हमारे किसानों ने देश को पढ़ा दिया है। मुझे लगता है ये आंदोलन इतिहास में एक एक उदाहरण के रूप में रहेगा। प्रधानमंत्री जी, फिर आपसे अपने देश के किसानों के लिए प्रार्थना कि इनको खुद सुनिए, इनके पास बैठिए, इनको आप स्वयं आके एड्रेस कर लें, जैसे दूसरे प्रांतों में आप जाते हैं, इसी तरह कर लीजिए और ये आंदोलन शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए, लोग अपने अपने घरों को वापस आ जाएं। कड़कती सर्दी है, माइनस तक तापमान चला गया, कैसे वो रात काटते हैं, आप भी उतनी चिंता करते होंगे, मेरा विश्वास है। कृपया ये कार्य सफल करवाइए, संपन्न करवाइए। जय हिंद, धन्यवाद।